ये पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तसफिया मा बैन सुन्नी व शिया, ये जितने सादात को आज तकलीफ हो जाती है, मेरा उनसे ये चैलेंज है कि वो पीर मेरे अली शाह को तो सैयद मानते हैं ना, ये छोटी सी किताब पर ही आके हमारे साथ बात कर ले। अगर हम मुहिब्बे अहले बैत नहीं तो फिर पीर मेरे अली शाह भी मुहिब्बे अहले बैत नहीं। अगर हम मुहिब्बे अहले बैत नहीं तो फिर ये कशफुल महजूब वाले गंजे बख्श भी मुहिब्बे अहले बैत नहीं। कशफुल महजूब पे आ जाए। अगर कोई तुम में से ये समझे ना कि हम उनके मेरिट पे पूरा उतर जाएं, रवाफिज भी हमें मुहिब्बे अहले बैत मान लें, तो आप कभी नहीं उतर सकते उस वक्त तक जब तक कि जहन्नमी ना बने। ये हमारे यहां इमाम ने लिखा, क्योंकि उनकी हर बात में ही फर्क है। अब आयते ततहीर में हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात को आगे बढ़ाता हूं और उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं कि अपने बड़ों की तो पढ़ो। हमारा सिर्फ यही कसूर है कि हमने उनको पढ़ा है और उनके हवाले हर जगह पे देते हैं। यहां मसला बागे फदक पर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखते लिखते एक दलील का जवाब दिया जो रवाफिज की दलील थी। रवाफिज ने कहा कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मांग लेना, दावा करना कि यह मेरा है, बस यही काफी था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो भी कर लें आगे से वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? रवाफिज ने कहा इन्हें चादरे ततहीर हासिल है और सिद्दीक अकबर को चादरे ततहीर हासिल नहीं है। और चादरे ततहीर का मतलब मासूम होना है और मासूम गलती नहीं करता। तो फिर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दावा तो इस आयत से साबित हो गया। अब देखो, लोग कहते हैं तुम भी मान जाओ तो फर्क क्या पड़ेगा। अब पीर मेर अली शाह साहब से कहा गया आप भी ततहीर वाला ये माना मान जाएं। आपने फरमाया मैं क्यों मानूं ये माना, अगरचे बात मेरी अम्मी जान की हो रही है, लेकिन हमने वो मानना है जो कुरान ने बताया है। अब लफ्ज गौर से सुनो, एक है ततहीर का माना रवाफिज के यहां मासूम होना कि उनसे गलती का इम्कान ही नहीं, और दूसरा है ततहीर का माना अहले सुन्नत के नजदीक कि गलती का इम्कान तो है लेकिन रब ने हिफाजत फरमा दी है। लफ्ज सुने, फरमाते हैं कि इस मौजू पर एक और दलील जो फरीक के मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजबे आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को पाक गर्दाना है, लिहाजा सैयदतुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यानी जब वो मासूम हैं तो वो नाजायज बोल कैसे सकती हैं? ये रवाफिज की दलील है। कहते हैं इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा, यहां इतना कह देना काफी है। आइए अगले जुमले जो है ना, मैं बोलूं कोई भी आज का बोले तो दूसरी तरफ से फौरन कहा जाएगा इनके दिल में कोई मरोड़ है और ये बोल रहे हैं पीर मेर अली शाह साहब, तो पता चला मरोड़ का मसला नहीं शरीयत की हिफाजत का मसला है। क्या वजाहत की? फरमाया ततहीर का माना जो वो लेते हैं वो गलत है, ततहीर का माना जो सुन्नी लेते हैं वो सही है। अब सुन्नी माना लेते हैं उससे फिर अब फर्क क्या निकलेगा? कहते हैं कि आयते ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं, हरगिज ये नहीं, ये नहीं कि ये पाक गुरु मासूम है सरकार के अलावा जो चार तन हैं पांच तन में,
कि ये पाक गुरु मासूम है। पीर मेरे लिए शाह फरमा रहे हैं आयते ततहीर का हरगिज ये मतलब नहीं, ततहीर है मगर ये मासूम नहीं। क्यों? मासूम सिर्फ रब के नबी हैं इंसानों में। ततहीर का जो माना रब ने दिया वो भी बड़ी शान है, लेकिन ततहीर का ये मकसद नहीं कि इन्हें नबियों के साथ मिलाया जाए। नबी मासूम है इंसानों में, और ये फरमाया कि आयते ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पाक गुरु मासूम है और इनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है, ये मतलब नहीं। खता का सरजद होना मुमकिन है, ये पीर मेर अली शाह साहब ततहीर का मतलब बता रहे हैं कि खता का सरजद होना मुमकिन है। तो फिर फरमाते हैं इसका यह मतलब है कि अगर बमुक्तज़ाए बशरियत इनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़्वो ततहीर इलाही में दाखिल होगी, रब अफ़्व कर देगा। ये नहीं कि खता मुमकिन ही नहीं रही। लिहाजा फरमाते हैं सैयदतुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तहरीक और सिलसिला जुम्बानी ने हमको समझा दिया के आयत यूसी कुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़ल उन्सैयैन में खिताब उम्मत की तरफ है और खुलफाए सलासा के अलावा अहले बैत पाक अलैहिम रिदवान ने भी बागे फदक के गैर मूरिस होने को अपने अमल से साबित कर दिखाया और सारे आलम पर वाज़ेह हो गया सारे जहान पर कि जनाब सय्यदतुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बवजाए बिदअतुर रसूल अलैहिस्सलाम होने के अब्दियत महज़ा की वारिस हैं और अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलाम की तरह उनकी आली और पाक शान भी मलकियत के धब्बा और खुदाई फैसले पर नाराजगी के नकस से मुनज़्ज़ा और पाक है। यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है, पता नहीं खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया।